इस हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज हुई रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक शर्मा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिल्म की कहानी। 1995 में पीएम के ऑफिस में जिस वक्त चीन के परमाणु टेस्टिंग की बातें चल रही थी, कहानी वहीं से शुरू होती है। आईएएस अफसर की भूमिका में जॉन भारत को न्यूक्लियर बनाने की सलाह देते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग असफल रही और इसी दौरान अमेरिका भी इस मामले में बीच में आ जाता है और आईएएस अफसर को पद से हटा दिया जाता है। इस आईएएस अफसर का परिवार मसूरी रहने लगता है और फिर 3 साल बाद परमाणु की बात दोबारा उठाई जाती है। पीएम के सचिव इस आईएएस को ढूंढ निकालते हैं और परमाणु के लिए टीम बनाने कहते हैं। ये आईएएस अफसर हर तरह के स्पेशलिस्ट लाकर इस टीम का गठन करता है और 1998 में एक बार फिर होती है तैयारी परमाणु टेस्टिंग की। इस बीच अमेरिका को इसे दूर रखने की पूरी कोशिश की जाती है, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के जासूसों को उसकी खबर तक नहीं लगने दी जाती। इतने मुश्किल हालातों के बाद भी भारत देश न्यूक्लियर पावर के तौर पर सामने आता है और यही है इस फिल्म का सार। तो आखिर किन वजहों से आप ये फिल्म देख सकते हैं? पहला, फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। फिल्म का स्क्रीन प्ले जबरदस्त है जो आपको बांधे रखती है, आपको अपने पर भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है। दूसरा, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, 90 के सीन्स का इस्तेमाल बेहतर देखा जाता है। तीसरा, जॉन के बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी उम्दा काम किया है। चौथा, फिल्म का संगीत ठीक ठाक है और अगर कुछ कमजोर है तो वो है फिल्म से नदारद कुछ घटनाओं की डिटेलिंग, मगर एक बेहतरीन सच्ची कहानी के साथ उम्दा एक्टिंग के लिए फिल्म जरूर देखें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे ना भारत टुडे। हमने जो किया वो देश के लिए है और हमने जो पाया वो देश का होगा।